वाटर हीटर हमारे घरों के लिए एक मस्ट हैव अप्लायंस है। जब आप मार्केट जाते हैं वाटर हीटर परचेज करने के लिए तो आपको अलग अलग ब्रांड के ढेर सारे मॉडल अलग अलग फीचर्स के साथ में मिलेंगे। इन सब के बीच में मेन कन्फ्यूजन ये रहती है कि भैया हम हमारे लिए बेस्ट वाटर हीटर को कैसे चूज करें। सबसे बेस्ट वाटर हीटर वो है जो कि एनर्जी एफिशियंट हो और जो कि लंबे टाइम तक आपको सर्विस दे, लंबे टाइम तक चले। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के ढेर सारे मॉडल अलग अलग टैंक्स और कोटिंग्स के साथ में अवेलेबल है। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन सा टैंक लें, कौन सी कोटिंग लें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने तरह के टैंक्स अवेलेबल हैं, कितने तरह की कोटिंग्स अवेलेबल हैं और इनमें सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा परचेज करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि इसका नाम है स्टोरेज वाटर हीटर, ऑब्वियसली इसमें गर्म पानी बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहता है जिसे कि हम बाद में यूज करते हैं। लंबे टाइम तक टैंक में पानी रहने की वजह से उसमें कोरोजन या फिर जंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जिसकी वजह से सीधा असर पड़ता है हमारे गीजर की लाइफ पर। गीजर की लाइफ को ज्यादा करने के लिए टैंक के अंदर की तरफ एक एंटी कोरोजिव मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि पानी टैंक को छुए ना, नहीं छुएगा तो जंग नहीं आएगा। तो मार्केट में अभी आपको तीन तरह के टैंक्स मिलते हैं, कॉपर टैंक, स्टेनलेस स्टील टैंक और पॉलीमर टैंक या फिर थर्मोप्लास्टिक टैंक। कॉपर टैंक आपको हीट का सबसे अच्छा आपको कंडक्टर होता है, मतलब कि कॉपर जो मटेरियल होता है ये बेसिकली हीट का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो इसमें हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। एसएस टैंक हीट का इंसुलेशन तो बहुत अच्छा देता है लेकिन उसमें जंग आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है और उसमें हमें बहुत अच्छी एंटी कोरोजिव मटेरियल की कोटिंग की जरूरत पड़ेगी। पॉलीमर टैंक्स बहुत अच्छे एंटी कोरोजिव तो होते हैं लेकिन उनमें भी हीट लॉस ज़्यादा रहेगा और उसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे एंटी उसकी हीट इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है कि कॉपर टैंक और थर्मोप्लास्टिक टैंक्स जो हैं उनमें हमें बहुत अच्छे इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, स्टेनलेस स्टील के टैंक में हमें बहुत अच्छी एंटी कोरोजिव मटेरियल की कोटिंग की जरूरत पड़ेगी। बाजार में कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके फीचर्स को अलग अलग ढंग से पेश करती है। ऐसा कई बार होता है कि दो गीजर्स में सेम कोटिंग को भी अलग अलग नाम से प्रदर्शित या शोकेस किया जाता है। ऐसे में मार्केट में आपको मेजर जो कोटिंग्स मिलेगी वो आपको चार तरह की कोटिंग्स मिलेगी, पोर्सलिन इनेमल ग्लास लाइन टैंक, ग्लास लाइन कोटेड इनर टैंक, विट्रस इनेमल कोटेड टैंक, ब्लू सिलिकन इनेमल कोटेड टैंक। इसके अलावा भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि पेटेंटेड कोटिंग शो करती है कि भैया ये हमारा पेटेंटेड कोटिंग है, ये हमारी पेटेंटेड कोटिंग है। बेसिकली कोर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसका पेटेंट करा लिया जाता है अलग नाम से और उसको शो किया जाता है कि भैया ये हमारी अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन कोर जो टेक्नोलॉजी वो एक होती है। इनेमल या फिर ग्लास कोटिंग के अलावा मार्केट में पॉलीमर कोटिंग भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी देखने को। पॉलीमर कोटिंग बेसिकली सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने के लिए उसके अंदर की तरफ एक प्रोसेस्ड ग्लास की कोटिंग कर दी जाती है जिसे कहते हैं ग्लास कोटिंग। दोस्तों ग्लास कोटिंग को मार्केट में बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन जो कोर जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। बेसिकली इसमें होता क्या है, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ग्लास को मेटल की शीट के ऊपर भट्टी में 750 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है जिससे कि वो उसके ऊपर परतनुमा आकार ले लेता है और जब वो इतने टेम्परेचर के ऊपर ग्लास टैंक के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ बना लेता है, इतनी अच्छी ग्रिप कर लेता है कि वो लंबे टाइम तक उसके ऊपर से नहीं उतरता है और वो हमें बहुत अच्छी एंटी कोरोजिव कोटिंग देता है। ग्लास कोटिंग के अलावा बात करते हैं पॉलीमर कोटिंग की, तो पॉलीमर कोटिंग बेसिकली सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है जैसे कि हमारे जो पैंट्स होते हैं उस तरह से। पॉलीमर कोटिंग को लगाने का या करने का तरीका टैंक के ऊपर अलग है ग्लास कोटिंग से, लेकिन जो दोनों का जो मकसद है वो एक ही है कि हमें हमारे स्टेनलेस स्टील के टैंक में जंग ना आए। अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो दोनों की जो क्वालिटी डिपेंड करती है उनकी थिकनेस के ऊपर कि भाई कितनी अच्छी कोटिंग, कितनी अच्छी मोटी कोटिंग की हुई है। लेकिन अगर ग्लास लाइनिंग कोटिंग को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ में लिया जाए टैंक पानी के टैंक में तो उसके डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है और जैसे ही वो डैमेज होगी तो हमारे स्टेनलेस स्टील के टैंक के डैमेज होने की भी या उसमें जंग आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो थ्योरेटिकली पॉलीमर कोटिंग बेटर होती है ग्लास लाइनिंग से क्योंकि उसमें एक तो इंसुलेशन भी अच्छा होता है और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। वाटर हीटर मैन्युफैक्चरर गीजर्स में टैंक्स अलग अलग मटेरियल के यूज़ में लेते हैं और अलग अलग मटेरियल की कोटिंग्स यूज़ में लेते हैं। तो इस वीडियो का जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि भैया हम कौन सी कोटिंग लें और कौन सा टैंक लें।
सबसे पहले बात करते हैं टैंक की। गीजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैंक, वो हीट इंसुलेशन का भी काम करता है। जितना अच्छा हीट इंसुलेशन उतना कम हीट लॉस, और जितना कम हीट लॉस उतनी हमारी एनर्जी सेविंग होगी, हमारा बिजली का बिल कम आएगा, हमें पैसे कम देने पड़ेंगे बिजली के बिल में। और यही फैक्टर आपके BEE स्टार लेवल के अंदर मेंशन होता है। स्टोरेज भारत में सभी स्टोरेज वाटर हीटर के ऊपर एक BEE स्टार लेबल लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि उसका हीट स्टैंडिंग लॉस कितना होगा। हीट स्टैंडिंग लॉस जितना कम होगा उतना हमें फायदा है। तो आप वैसे तो देखिए, अगर थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील का टैंक सबसे बेस्ट हमें हीट इंसुलेशन देता है, लेकिन फिर भी आप BEE स्टार लेबल देखिए, उसके ऊपर हीट स्टैंडिंग लॉस देखिए, वो सबसे कम होना चाहिए, वो गीजर सबसे बेस्ट रहेगा आपको परचेज करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होगा। बात करते हैं कोटिंग की। मार्केट में आपको काफी सारे अलग अलग नामों की कोटिंग मिलेगी, लेकिन अब बेसिकली आप कोटिंग को आप क्योंकि ब्रांड्स मेंशन नहीं करती है कि किस गीजर में कितनी अच्छी क्वालिटी की कोटिंग की हुई है, कितनी थिकनेस की कोटिंग की हुई है, बहुत कम ब्रांड्स ऐसा मेंशन करते हैं। तो हम कैसे चूज करें? दोस्तों, गीजर की कोटिंग का सीधा सीधा असर उसकी लाइफ पर पड़ता है, और ये कंपनियां बहुत अच्छे से जानती है। वो वारंटी उतनी देती है जितने समय तक कि गीजर में निरंतर चलता रहे, उतने समय तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप मैक्सिमम वारंटी वाला वाटर हीटर चूज कीजिए, जिसमें कि टैंक पर वारंटी अपने को बहुत अच्छी मिली हुई हो। जैसे कि आपको अभी मार्केट में 7 ईयर्स तक की वारंटी वाले आपको वाटर हीटर भी मिलेंगे। वारंटी बेसिकली स्टोरेज वाटर हीटर में वारंटी 2 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, कई ब्रांड्स 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल तक की मिलती है। तो जितनी अच्छी वारंटी होगी उसमें उतनी अच्छी टैंक के अंदर कोटिंग की हुई होगी, तो हमें हमारा प्रोडक्ट लंबे टाइम तक सर्विस दे पाएगा। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पॉलीमर कोटिंग ग्लास लाइन से थोड़ी सी बेटर होती है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप उसकी वारंटी देखिए और फिर आप अपना प्रोडक्ट चूज कीजिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो, नीचे कॉमेंट बॉक्स है जहां जाकर आप मुझसे कुछ भी सवाल या सुझाव पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।